टमाटर ले जाए, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, वेरी नाइस, गुड मैन, दैट्स गुड मॉनिटर लिजार्ड, हैविंग अ गुड साइज, गुड एवरीथिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड मैन, ब्यूटीफुल मॉनिटर लिजार्ड, और ये ही सिटिंग राइट नाउ, ही सिटिंग ऑन यू, बहुत हेल्दी है, अरे नहीं this again, this beautiful male monitor lizard. He's very fat, you can see his arms. Itne muscular se hai ekdum. He's in a very good state. Isse pehle humne do aur monitor lizard chode hai, baby monitor lizard. So, we are just gonna leave him. Yahan par isko release karne wale hai. Let's see. This is a proper place. Yahan par pani hai aur thodi sukhi zameen bhi hai. He can just go and enjoy. So, yes, let's leave him. 1 2 3 4 क्या लग रहा है ना संता रेस्ट लग कितने आराम आराम से गया ना और Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I am back with another video, not a happy video again, just a reality check. जैसा कि हम सबको पता है, हमने आसपास के लोगों को भी देखा होगा, जब भी उनको कोई पपी चाहिए होता है, they are always like कि you know they want the cheapest puppy possible. 4-5 हज़ार में सेंट बर्नार्ड मिल जाता है, 2 हज़ार रुपये में पिटबुल मिल जाता है. These all are the puppy factories, puppy mills इनको बोला जाता है, जहाँ पर puppies कराते हैं लोग without any laws. कुछ time पहले कुछ laws आए थे, जैसे कि puppy 2 महीने से छोटा नहीं होना चाहिए जब भी उसको sell करना हो. पर pet shops पर आप जब भी जाएंगे, puppy will be 25 days old, 30 days old, और लोगों को बहुत प्यारा लगता है, वो उसको उठा कर लेकर आ जाते हैं. पेट शॉप्स वाले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं, दे गेट द पपी फ्रॉम द पपी मिल्स, पपी मिल्स से वो बहुत ही सस्ते रेट में पपीज लाकर दे सेल इट टू द पीपल. तो मेन टारगेट वो लोग होते हैं जो कि पपी को देखकर बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं, एंड दे गो फॉर द चीपर प्राइसेस. तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द चीपर प्राइसेस और यू बाइंग अ डॉग, जस्ट हैव दिस वीडियो इन माइंड. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आसपास अभी हमारे केसेस आए हैं, एंड दिस इज़ द रीसेंट केस दैट यू आर गोना सी. बिफोर दिस आई हैव जस्ट नेम्ड हिम मार्शल बिकॉज आई लाइक द नेम और उस पर सूट करता है उसको. वो प्यार से ऐसे ही टाइगर टाइगर बोल रहे थे, वी डिडंट नो हिज नेम. हमको वो ऐसे ही रोड पर मिला था, एक रूरल जगह है जहाँ पर हमने रिसेंटली काम करना शुरू किया है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ स्नैक्स और वो वाली चीज़ें, तो हमारे पास बहुत सारे रेस्क्यू कॉल्स आते हैं वहाँ से. तो दैट्स हाउ वी वर देयर. वहाँ पर हमने एक टीम भी बनाई हुई है, तो हमारी टीम में से 2 लड़कों ने दे सो और डॉग, उनके पास खुद भी डॉग्स हैं, उन्होंने पाले हुए हैं. ही गेव मी अ कॉल कि भैया ऐसे ऐसे एक डॉग घूम रहा है, व्हाट शुड वी डू, एंड आई वाज लाइक कि मतलब उसको घर पे लेकर आओ. तो दैट्स हाउ वो उन्होंने, इट्स अ रूरल एरिया, तो बहुत बड़ा जगह है उनकी, उनका बहुत बड़ा घर है, उनके पास गाय भैंसे भी हैं, तो उसके साथ ही उन्होंने उस डॉग को रखा हुआ था. एंड नाउ यू कैन सी द एक्चुअल सिनेरियो ऑफ दिस डॉग. ही इज अ स्वीट हार्ट मैन, ही इज अ स्वीट हार्ट, यू कैन एक्चुअली मे सी. मेरा कोई डोबरमैन्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, पर दिस रिसेंटली केम, ये 2-3 दिन पहले ही आया था. ही वॉज जस्ट यू नो रोमिंग ऑन द रोड, फिर ये लोग रोड से पकड़ कर उसको लेकर आ गए, एंड ही इज़ वेरी लविंग. मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है डोबरमैन्स के साथ, पर
आप देख सकते हैं ही इज अ डार्लिंग. इसकी बहुत हालत ख़राब है. वी गॉट हिम चेकड, हमने इसको चेक कराया. उसके बाद वी गॉट टू नो कि इसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं लिवर में, और यू नो इसको लिवर टॉनिक देना पड़ेगा. पर हाँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात होगी. इसको भर पेट खाना भी नहीं दिया गया है, और जब शायद उस ब्रीडर को लगा होगा कि ये ब्रीडिंग करने के लायक नहीं रहा है, ये मेटिंग करने लायक नहीं रहा है, तो उसने इसको ऐसे ही छोड़ दिया. मेल डॉग्स जो होते हैं वो मेटिंग के लिए यूज़ हो जाते हैं. स्पेशल पर्पज़ उनका यही होता है. लोग लाते हैं अपनी फीमेल डॉग्स एंड दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. 10,000, 20,000, 30,000, वो जितने भी रुपए मांग सकते हैं फीमेल डॉग्स के ओनर से. एंड दिस इज़ हाउ दिस बिजनेस वर्क्स. और उसके बाद शायद जब फीमेल कोई पपी देने लायक नहीं रहती है, वो उसको अबैंडन कर देते हैं एज वी ऑल नो. और जब कोई मेल होता है वो मेटिंग करने के लायक नहीं होता, तब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. दिस डॉग वॉज वेरी लकी कि हमारे लड़कों ने इसको देख लिया, और ये अब बहुत ज़्यादा अच्छी जगह जाने वाला है. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़. दिस इज़ वेरी सैड मैन. यू कैन सी दिस डॉग इज़ नॉट इवन बींग अग्रेसिव. ये कितने प्यारे तरीके से मुझे वेलकम कर रहा है, और इसके कोई भी नखरे नहीं हैं. ही इज़ ईटिंग एवरीथिंग. शायद से इसको बहुत टाइम तक भूखा रखा था, और ही वॉज़ वेरी मच डिहाइड्रेटेड ऑल्सो. खैर, वो तो रोड पर घूम रहा होगा. इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इसकी बुरी हालत हो गई होगी बेचारे की. पर आई कैन जस्ट अश्योर यू गाइज, अब ये बहुत अच्छे से रहने वाला है. वी आर गोना टेक केयर. ये मेरे ऑब्जर्वेशन में ही रहने वाला है. And this is the scenario you can see. ये केस भी अभी रिसेंटली आया था. एज यू कैन सी दिस इज़ अ बीगल, वेरी क्यूट बीगल. ही इज़ ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स ओल्ड. बहुत ज़्यादा ओल्ड है ये. और ही हैज़ गॉट सम मैगट्स हैं इसके नीचे, मैगट वूंड है. और इसको भी किसी ने छोड़ा है. आई डोंट नो कि हो सकता है शायद किसी फैमिली ने छोड़ा हो, बट बाई लुकिंग द ब्यूटी ऑफ दिस डॉग आई गेस कोई ब्रीडर भी हो सकता है इस चीज़ के पीछे. जैसे कि मैंने बताया, सेम रीज़न इन्वॉल्व हो सकता है. लोग डॉग्स रखते हैं मेटिंग करवाने के लिए, मेल्स को रखते हैं मेटिंग कराने के लिए. जब वो लायक नहीं होते तब उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट बाय डॉग्स, जाकर अडॉप्ट कीजिए डॉग्स को, तो आई एम श्योर 5% लोग भी अगर ये बात मान जाएँ तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा. पर आई नो कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानता. लोगों को शो ऑफ करने होते हैं, लोगों को यू नो अपना स्टेटस सिंबल बना के रखा है लोगों ने डॉग्स को. तो इन चीज़ों के चलते हुए बहुत बुरी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं डॉग्स को. सो इफ़ यू वांट टू गेट अ पपी, पहले उसके माँ बाप को जाकर देखिए. डोंट गो फॉर द चीपर वंस. सस्ते से कुछ नहीं होगा. जब मैं उस डॉग से मिला, मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड रहता हूँ, तो वाइल्ड लाइफ के वजह से डॉग्स और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ. But when I saw the Doberman's face, जब मैं उस dog से मिला, I was almost into tears. वो इतने अच्छे से प्यार कर रहा था मुझे. उसने ज़रा सा भी aggression नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया. उसकी tail भी कटी हुई है, the tail is dogged. और बहुत 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 बुरा लगा मुझे उसे देख के. तो please don't, अगर आप कोई puppy जाकर ख़रीद रहे हैं किसी pet shop से, तो आप इन्हीं चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं. Please don't. Don't do that. ये मेरा request रहेगा आपसे. And this is how it is. Next time if you want to buy a puppy, उसके माँ बाप देखिए पहले, owner को जानिए, अच्छे से जानिए. अगर conditions अच्छी नहीं है तो please उससे puppy मत लीजिए, चाहे वो कितना भी सस्ता दे. और obviously उसके खिलाफ complaint ज़रूर कीजिए. And this is how it is. Just take care of yourself. I hope आप कोरोना वायरस से भी सेफ हैं. Just take care, and just be wild.